अब इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि वो जो रिएक्शन मैंने एक मॉड्यूल में आपको पहले बताया था कि जिससे ओजोन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन होके ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है वो रिएक्शन कैसा है उसमें क्या क्या चीज़ें जिसकी वजह से ये रिएक्शन होता है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं क्या उसके असरा क्या होते हैं वो तीनों चीजें इस मॉड्यूल में आपको बताएंगे अब ये देखें ये टाप वाला रिएक्शन जैसे चैपमैन रिएक्शन है काफ़ी मशहूर इस सिलसिले में है ऑक्सीजन अगर एटॉमिक ऑक्सीजन होगी ना वो ओजोन से जब टकराएगी तो वो फिर वो उसका जो रिएक्शन होगा वो बिल्कुल ब्रेकअप कर जाएगी क्योंकि एटॉमिक ऑक्सीजन मैंने जैसे आपको पहले एक मॉड्यूल में बताया था कि बहुत ही रिएक्टिव होती है तो एटॉमिक ऑक्सीजन बनती कैसे एटॉमिक एटॉमिक ऑक्सीजन बनने की वजह यही क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया तो अब दोबारा उसे रिपीट करेंगे कि क्यों इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो ये ऑक्सी उक, तो ऑक्सीजन से ओजोन का इंटरेक्शन हुआ एटॉमिक ऑक्सीजन से ओजोन का इंटरेक्शन हुआ और फिर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल बन गए बैलेंस है ना पूरी इक्वेशन तो इसका मतलब ओजोन तो चली गई ओजोन की तो हमें ज़रूरत है इस टेटमोसफियर में तो वहाँ से अगर चली गई तो फिर वह सारी यू सी वाला जो प्रॉब्लम है वो दोबारा से शुरू हो जाता है तो ये नाइनटीन में वो तो नाइनटीन में ही पता चल गया था कि कुछ ये गड़बड़ होनी शुरू हो गई है लेकिन वो शायद पॉपुलेशन की वजह से ऑटोमोबाइल्स इतनी कामन नहीं थी उस जमाने में या कुछ ऐसी वजह से थी कि वो उसका ऑब्जर्वेशन तो हो गई थी कि ओजोन होल जो है वो बड़ा बढ़ता चला जा रहा है लेकिन वो 1970 तक के जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब उन्होंने पता चला कि सारे चीले साउथ साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया हती के ऊपर नॉर्थ अमेरिका तक की बात पहुँच गई थी फिर उनके समझ में आई कि कुछ करना चाहिए ये जो जिसकी मैंने बात बताई थी ना कि किलोजेंस क्लोरीन ब्रोमिन और फ्लोरिन ये तीनों चीज़ों का और थोड़ा बहुत उसके अलावा भी नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह का भी है लेकिन मेजर जो है कंट्रीब्यूटर ये है तो इसमें ज़्यादातर आपको मैंने आपको एक मॉड्यूल में पहले बताया था कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस्तेमाल होता है एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होता है एरोसोल्स में इस्तेमाल करता है सफाई के लिए जो चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिलेकन वगैरह जो बन होती है ना उसके एच करने के लिए या एच एफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाते हैं वो भी फ्लोरिन उसके अंदर है या फिर ब्रोमिन इस्तेमाल करते हैं एच बी आर हाइड्रोब्रोमिक एसिड वो भी इसमें ब्रोमीन है तो दोनों हैलोजें जो हैं वो अगर कहीं तर, किसी तरीके से स्केप कर जाएं बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर तो सीधा फिर ऊपर जाते हैं क्योंकि एयर मूवमेंट तो है ही ना एयर मूवमेंट तो चल रही है जो मैं पहले भी एक मरतब समझाया था तो उसकी वजह से ऊपर स्टेडोस्फीयर तक के सारी चीज़ें पहुँच जाती हैं जिनकी वजह से ऑक्सीजन ब्रेकअप हो के ओ बन जाती है अटामिक ऑक्सीजन वो फिर रिएक्ट करती है ओजोन से और फिर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन जाती है और ओजोन का कॉन्सनट्रेशन कम हो जाती है इसी तरह से और भी नाइट्रस ऑक्साइड तो आपने कितनी बार मरत पहले हमने इस बारे में बात की थी कि सारा फॉसल फ्यूल वगैरह जलाने से या किसी चीज़ को भी एयर की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एयर में जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाएंगे वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदे क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड में थोड़ी सी अगर एन पूरा ना हो ना तो वो ऑक्सीजन को उसको चाहिए पूरा करने के लिए तो जब वो ओजोन से जो एटॉमिक ऑक्सीजन मिलती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है बाकी जो है वो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है तो ये एक नाइट्रस ऑक्साइड की भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन वही सी एफ सी क्लोरो फ्लोरोबन ऑल कम कंपाउंड एट कंटेन क्लोरिन फ्लोरिन ब्रोमिन एन दर्नली मिक्स विद कार्बन ठीक है सी एफ सी वगैरह की जिसकी बात की थी मैंने अब ये देखें ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे कम हुई थी? नीचे साल लिखे हुए और ऊपर कॉन्सनट्रेशन ये डॉपसन यूनिट के अंदर है जो मैंने आपको एक पहले वाले यूनिट में मॉड्यूल में समझाया था कि डॉपसन यूनिट क्या होता है अब वो नीचे जाके वो चार सौ से चली थी बात अब नीचे जाके पहुंच गई कि सौ के करीब पहुंच गई इस टाइम में ये टाइम फ्रेम में नाइनटीन सिक्सटी से लेके जो एटीज तक के जो पहुंची थी ना कितनी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई आप देखेंगे वो एरर बार भी निकाल लेना तो फिर भी बहुत ज्यादा कॉन्सनट्रेशन जहाँ से शुरू हुई थी जहाँ पे मेजरमेंट खत्म हुआ था अच्छा ये मजे की बात यह कि ज्यादातर जो होल होता है ना ये नेचुरली बनता है ये नहीं कि हमने कुछ किया है कि उससे बने वो नेचुरली बनता था और बनता था एक जमाने में फिर सकड़ जाता था फिर ये हमारे कार कामों की वजह से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तो इंसान ही प्रोड्यूस करते हैं ना उनकी वजह से जो इतना बढ़ना शुरू हुआ वो घट के वो बिल्कुल छोटा नहीं होता था वो थोड़ा सा घट घट जाता था लेकिन फिर भी बड़ा होल रह जाता था उसके अंदर ओजोन कॉन्सनट्रेशन के अंदर तो ये ज़्यादातर होता था अक्टूबर में अक्टूबर में क्यों होता है मैं आपको साउथ पोल की बात बता रहा हूँ ना साउथ पोल में उल्टा हिसाब होता है कि जून जुलाई अगस्त के महीने में विंटर होता है ठीक है विंटर जो है और साउथ पोल में विंटर बहुत हार्श होता है कोई सूरज ही नहीं होता कोई वहाँ पे है ना बिल्कुल सूरज बिल्कुल रात की रात होती है सारे तीन चार महीने तक के तो बिल्कुल बहुत ही सख्त कस्म की सर्दियों से अक्टूबर में निकल के आते हैं थोड़ा सा बाहर इसका मतलब अक्टूबर में सूरज आता है जब सूरज आए ना तो वो उसकी यू लाइट की बात हो रही है ना तो जब सूरज आएगा तभी यू लाइट आएगी तभी वो होल क्रिएट होगा इस वजह से हम जून जुलाई अगस्त की बात नहीं करते अक्टूबर में वो सारा होल बनना शुरू हो जाता है सबसे बड़ा क्योंकि वहाँ उस वक्त सारी चीज़ें सूरज की वजह से सूरज निकल आता है अक्टूबर में तो फिर एकदम से होल जो है उसका बढ़ना शुरू हो जाता है ओजोन कॉन्सेंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाती है तो ये देखें आप ये लेफ्ट साइड पर यह साउथ पोल का यह है मॉडल कि कितनी कॉन्सनट्रेशन कम हो रही है जितनी ज़्यादा बीच वाला हिस्सा देखें लाल वाला उसकी ज़्यादा अब लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जितने जितना ऑरेंज होगा ना वो ज्यादा से ज्यादा उसकी ओजोन कॉन्सेंट्रेशन होगी और वो कितना डिप्लीट होके वो उसका वो कितना बड़ा बढ़ जाता है वो इतना बढ़ता है आप देखें राइट साइड पे जो है वो एरिया कंपैरिजन किया हुआ है साउथ पोल का जो वाइट कलर में है और ब्लू जो है वो पूरा अमेरिका का ऐसा तो जो साउथ पोल का जो टोटल एरिया है वो अमेरिका के तकरीबन शायद दुगना ही होगा ही दुगने के करीब ही होगा अब उस इतना बड़ा वो होल शुरू हो जाता है जो अक्टूबर वगैरह में जब टाइम इनका शुरू होता है तो बहुत ही बहुत ही बड़ा उसका इफेक्ट पड़ता है और सिर्फ अफेक्ट साउथ पोल तक की बात नहीं साउथ पोल में तो शायद बहुत ही कम लोग रहते हैं बल्कि शायद कोई रहता ही नहीं हो वहाँ पे सिर्फ बेंगुन वगैरह तो होती हैं उनके लिए भी खैर ख्याल करना चाहिए लेकिन अतराफ़ की जो ममालिक है ना जो साउथ पोल में टच करते हैं जैसे अफ्रीका है वो आप देखें ऊपर लेफ्ट साइड वाली फिगर में ऊपर देखें वो साउथ अमेरिका की चोंच है वो वो चिली और अर्जेंटीना के जो हिस्सा है ना आखिरी वाला हिस्सा वो सारा वो है अगर राइट साइड पे देखेंगे वो तो वो अफ्रीका है साउथ अफ्रीका तक के वो बात पहुंच जाती है देखें साउथ अफ्रीका में वो जो येलो नज़र आ रहा है वो साउथ अफ्रीका का है इसका मतलब ये कि वहाँ पे कॉन्सनट्रेशन ओज़ोन की कम हो गई है और लेफ्ट साइड पे नीचे देखें वो ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया तो आधा ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल कवर हो जाता है जहाँ पे इसकी ओजोन कॉन्सनट्रेशन कम हो गई है तो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ एशिया को छोड़ के बाकी देखें सब जगह यूरोप और एशिया को छोड़ के बाकी ये सारी चीजें चीज़ेंटली एंटार्टिका में नहीं आता वो तो उल्टी तरफ है दुनिया के लेकिन बाकी ये तीनों कॉन्टीनेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया इस्पेशली साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका को भी बहुत इनका अफेक्ट होता है अब ये ये अक्टूबर से चली बात उन्नीस uh, और uh, 1991 तक के वो देखें आप कैसे बढ़ता जा रहा है उसका होल का साइज़ होल वो, के साइज़ बढ़ने की बढ़ने का जो दूसरी चीज़ है दूसरी तरफ से देखें तो इसका मतलब ओजोन की कॉन्सनट्रेशन कम होती जा रही है ठीक है ना वो बिल्कुल देखें आप आखिरी वाला देखें और पहला वाला देखें कितना बड़ा फ़र्क है वही साल का वही महीना है अक्टूबर का जबकि सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ ये यह सारी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और कि, कि, कितनी उसमें बढ़ गए हैं ना ये और ये होल्स इसके अंदर तो ये बड़ी तश्वीशनाक बात है जिसको लोग समझा और फिर उसके बाद एक उन्होंने एक एक चीज सी मॉन्ट्री मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल जिसके बारे में बात करूंगा अगले मॉड्यूल के अंदर वहाँ के उन्होंने सब बैठे उन्होंने कहा ये तो होल देखे यहाँ पे तो होल पूरे नॉर्थ अमेरिका से भी आगे बढ़ता चला गया है ए, ए, एरिया के अंदर है ना तो फिर बड़ी तश्वीशनाक शुरू हो गई लोगों को फिर स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए थे और काफ़ी सारे लोगों को परेशानी थी इस सिलसिले के अंदर तो सब सारी नेशंस जो थी जो भी अफेक्टेड हुई थी या जो भी प्रोड्यूस कर रही थी सी एफ सी सी एफ सी चीले तो नहीं प्रोड्यूस करता सी ऑस्ट्रेलिया तो नहीं प्रोड्यूस करता सी साउथ अफ्रीका तो नहीं प्रोड्यूस करता सी एफ प्रोड्यूस सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो था वो या तो अमेरिका था या यूरोप थे दो दो लोग थे जिनसे जो डायरेक्टली मुतासर नहीं हुए थे इससे लेकिन उनको यकीन आ, 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 पता था कि साउथ साउथ में साउथ पोल में ये प्रॉब्लम जरूर है और नॉर्थ अमेरिका तक नॉर्थ अमेरिका तक के भी बात शुरू होने वाली थी वहाँ पे भी एक होल डिस्कवर हो गया था कि वहाँ पे भी शायद इस किस्म का हो तो फिर उनको ख्याल है कि अरे कुछ करना चाहिए फिर जो किया है वो मैं आपको अगले वाले मॉड्यूल में बताऊंगा।